अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोगों ने भी एटॉमिक एनर्जी के जॉब HR 1384 पर अप्लाई किया था और अभी आप लोगों का रोल नंबर स्लिप का मैसेज नहीं आया है, या आप लोग अपना CNIC नंबर को इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर सर्च करने के बाद आप सब लोगों के सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंसूर और आप देख रहे हैं रोजगार इन्फो। दोस्तों सबसे पहले आप HR 1384 को गूगल क्रोम में सर्च करेंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से डायरेक्ट इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर आने के बाद नीचे यहां पर क्लिक हियर टू प्रिंट योर कॉल लेटर पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक होने के बाद यहां पर आप लोग अपना CNIC नंबर इंटर करेंगे, जैसा कि मैं अपना CNIC नंबर इंटर कर रहा हूँ। CNIC नंबर को इंटर होने के बाद आप सब लोगों के सामने अपना प्रोफाइल आ जाएगी, जिस पोस्ट पर आप लोगों ने अप्लाई किया था वो आप लोगों के सामने हो जाएगी। जैसा कि मैंने दो जॉब्स पर अप्लाई किया था, नंबर फर्स्ट पर साइंटिफिक असिस्टेंट 2 एंड नंबर सेकंड पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जो कि सिविल और फिजिक्स का है। इसके सामने क्या लिखा हुआ है जैसे आप सब लोग भी देख रहे हो, सॉरी यू कुड नॉट क्वालिफाई द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। एंड नंबर सेकंड पर प्रिंट कॉल लेटर, मैंने भी दो जॉब्स पर अप्लाई किया था, नंबर फर्स्ट पर फिजिक्स जो कि नॉट क्वालिफाइड आ रहा है एंड नंबर सेकंड पर सिविल जो कि मेरा रोल नंबर स्लिप आ गया है। अगर आप लोगों के सामने इस तरह का मैसेज आ रहा है कि डज नॉट क्वालिफाई, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग शॉर्टलिस्टेड में नहीं है। अगर आप लोगों के सामने प्रिंट कॉल लेटर का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग शॉर्टलिस्टिंग में है। दूसरी बात, अगर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पर अपने दोस्त का CNIC नंबर इंटर कर रहा हूँ, अगर आप लोगों के सामने इस तरह का मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड या इनकरेक्ट CNIC नंबर, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो अप्लाई किया था वो सेंड नहीं हुआ है, या इसके अलावा आप लोग जो CNIC नंबर यहाँ पर इंटर कर रहे हो वो करेक्ट नहीं है। अगर आप लोगों का नाम शॉर्टलिस्टेड में नहीं आया है, तो आप लोगों के सामने अपना प्रोफाइल ओपन हो जाएंगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और इसके सामने इसका रेड कलर में लिखा हुआ कि यू आर नॉट क्वालिफाइड। और जिन दोस्तों के सामने इनकरेक्ट CNIC नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने जिस टाइम अप्लाई कर रहा था वहां पर कुछ गलती की हुई है, कि आप लोगों ने जो CNIC नंबर इंटर किया है वो करेक्ट नहीं है, या आप लोगों का जो अप्लाई था वो रिसीव नहीं हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो यहां कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।